जरा सोचिए, यदि इसराइल को ब्रह्मोस मिसाइल मिल जाए तो उनके आसपास उपस्थित दुश्मन देश का हालत क्या होगा? जी हाँ, यह वही मिसाइल है जो मैक 2.8 की सुपरसोनिक गति से दुश्मन के ठिकानों को पल भर में खत्म कर सकती है। अगर इसराइल के हाथों में यह मिसाइल आ जाती है तो हुती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन कितने दिन टिक पाएंगे? क्या उनके पास इसराइल के इस खतरनाक हथियार के सामने बचने का कोई मौका होगा? तो जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ब्रह्मोस के सामने कोई सुरक्षित नहीं। 290 किलोमीटर की रेंज में आने वाले हर दुश्मन ठिकाने को यह मिसाइल बिना कोई चेतावनी दिए मिटा सकती है। अगर आज इसराइल के पास यह शक्ति होती तो यह संगठन शायद दिन नहीं बल्कि घंटे गिनते। क्या हती विद्रोही जो यमन से इसराइल पर हमले कर रहे हैं, हिजबुल्लाह जो लेबनान से बमबारी कर रहा है, या हमास जो गाजा से हमला कर रहा है, इनमें से कोई भी इस मिसाइल के सामने टिक पाएगा? अब सोचिए, अगर ईरान जैसा देश इस युद्ध में खुलकर कूदता है, ईरान जो इसराइल के खिलाफ लगातार हथियार और रॉकेट मुहैया कराता है, उसे भी शायद इस बार सावधान रहना पड़े। ब्रह्मोस के पास न केवल दुश्मन को तेजी से मारने की ताकत है बल्कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर इसका उपयोग ईरान की सैन्य ताकत को महज 3 दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। तो सोचिए, अगर इसराइल के पास ब्रह्मोस मिसाइल होती तो इस क्षेत्र में दुश्मनों का क्या हाल होता? क्या ईरान इस युद्ध में टिक पाता, या फिर यह ब्रह्मोस की विनाशक शक्ति उसे घुट पर ला देती? क्या होगा अगर इसराइल के पास ब्रह्मोस मिसाइल हो? लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत इसराइल की हर संभव मदद करे, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब इसराइल 4 अलग-अलग मोर्चों पर जूझ रहा है। उसकी सेना हमास, हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और ईरान समर्थित मिलिशिया से लड़ाई लड़ रही है। हर तरफ से बमबारी और रॉकेट हमले हो रहे हैं और इसराइल की स्थिति बहुत नाजुक है। उसके पास हथियारों की कमी हो रही है। ऐसे में इसराइल भारत से मदद की गुहार लगाता है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा अगर भारत इसराइल को अपनी सबसे घातक मिसाइल प्रणाली ब्रोस भेजने का फैसला करें। इसराइल जो हमेशा से अपनी सैन्य शक्ति और तकनीकी उन्नति के लिए जाना जाता है, आज एक कठिन मोड़ पर खड़ा है। उसे एक साथ 4 अलग-अलग दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ उसकी लड़ाई दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। लेबनान और यमन जैसे देशों से भी उसे धमकी मिल रही है और ईरान तो हमेशा से उसका बड़ा दुश्मन रहा है। इसराइल की ब्रह्मोस मिसाइल पाने की इच्छा बहुत ही रणनीतिक है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को पल भर में नष्ट कर सकती है, इसराइल के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच हो सकती है। इसकी स्पीड मैक 2 से 8 तक जाती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक बनाती है। अब सोचिए, अगर भारत इसराइल को ब्रह्मोस भेजता है तो इससे इसराइल को तत्काल राहत मिल सकती है। इसराइल अपनी रक्षा को और भी मजबूत कर सकता है, खासकर ईरान जैसे देशों के खिलाफ। यह कदम इसराइल को उसके दुश्मनों से सुरक्षा देने में मदद करेगा, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा? ब्रह्मोस मिसाइल केवल भारत की संपत्ति नहीं है, यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रक्षा सहयोग है और ब्रह्मोस इस संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या होगा अगर भारत इसराइल को यह मिसाइल भेजे? क्या इससे रूस नाराज हो जाएगा? अब सवाल उठता है कि भारत अगर गुप्त रूप से इसराइल को देता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या रूस नाराज हो जाएगा? रूस और ईरान के बीच अच्छे राजनीतिक और सैन्य संबंध हैं। रूस ने हमेशा से ही ईरान को अपने सहयोगी के रूप में देखा है और दोनों देशों ने कई बार मिलकर पश्चिम देशों का विरोध भी किया है। अगर भारत रूस की सहमति के बिना ब्रह्मोस मिसाइल को इसराइल भेजता है तो इससे रूस को नाराजगी हो सकती है। यह नाराजगी कई स्तरों पर हो सकती है। रक्षा अनुबंधों पर असर। रूस भारत को कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण और हथियार प्रदान करता है। अगर रूस को लगता है कि भारत उसकी इच्छाओं के खिलाफ इसराइल का साथ दे रहा है,
तो यह भविष्य में भारत के लिए रूस से रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर सकता है। ईरान के साथ रूस के संबंध। रूस और ईरान के बीच गहरे कूटनीतिक और सैन्य संबंध हैं। अगर भारत ब्रह्मोस इसराइल को देता है तो इससे ईरान की नाराजगी बढ़ सकती है और रूस पर भी इसका दबाव बन सकता है कि वह अपने सहयोगी ईरान का साथ दे। रूस इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर अगर ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि रूस इस कदम से खास नाराज ना हो। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। भारत रूस का पुराना और गहरा संबंध। भारत और रूस के बीच संबंध बहुत मजबूत और ऐतिहासिक हैं। रक्षा, व्यापार और कूटनीति के मामलों में दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल प्रणाली के निर्यात के लिए रूस को पहले से ही जानकारी और सहमति होनी चाहिए। अगर भारत इसराइल को ब्रह्मोस भेजता है तो यह संभव है कि रूस पहले से ही इसके लिए तैयार हो और इसे भारत की स्वतंत्र नीति के रूप में देखे। रूस का रणनीतिक दृष्टिकोण। रूस समझता है कि इसराइल को ब्रह्मोस मिलने से वैश्विक संतुलन में कोई भारी बदलाव नहीं होगा। रूस की प्राथमिक चिंता पश्चिमी देशों और नाटो से है, न कि इसराइल से। ऐसे में रूस इस मुद्दे को उतना बड़ा नहीं बना सकता जितना कि लगता है। इसराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु बम है। ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान अपने इस लक्ष्य में सफल हो जाता है तो यह इसराइल के लिए एक विनाशकारी स्थिति हो सकती है। इसराइल पहले से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गुप्त ऑपरेशन और हमलों में लगा हुआ है। अब सोचिए, अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल इसराइल को देता है तो इससे इसराइल को ईरानी हमलों से बचने और उसे जवाबी हमला करने में बड़ी मदद मिलेगी। यह इसराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक बढ़त दे सकता है, लेकिन इससे क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव भी हो सकता है। ईरान, जो रूस का सहयोगी है, भारत से नाराज हो सकता है और इससे भारत और ईरान के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बिगड़ सकते हैं। ईरान भारत को अपने बड़े तेल निर्यातकों में से एक मानता है और अगर ईरान से यह संबंध बिगड़ता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर भारत खुले तौर पर इसराइल की मदद करता है तो इससे ईरान और अन्य मुस्लिम देशों के साथ उसके संबंध और भी खराब हो सकते हैं। इसका भारत की व्यापार और ऊर्जा नीतियों पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन भारत के पास दूसरा विकल्प भी है। वह गुप्त रूप से इसराइल को मदद पहुंचा सकता है ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे और उसके हित सुरक्षित रहे। अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल को इसराइल भेजता है तो इससे उसके वैश्विक रणनीतिक हितों पर भी असर पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।